हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 66 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप डॉम ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू को सेट करने के और गेट करने के अलग अलग मेथड सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम डॉम के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को HTML के टारगेट कर सकते हैं, मतलब कि जैसे हमने H1 को टारगेट करना है तो हम उसको कैसे करेंगे, या हमने नैव को या किसी टाइटल को, हेड को या बॉडी को, पूरे को टारगेट करना है तो हम उसको कैसे टारगेट करेंगे। अगर इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं टारगेट करने के बाद आप उसमें कर क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम क्या क्या गेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम की हेल्प से बेसिकली तीन चीज़ें गेट कर सकते हैं, या तो हम उसकी HTML गेट कर सकते हैं, या हम उसका टेक्स्ट गेट कर सकते हैं, या उसके एट्रीब्यूट गेट कर सकते हैं, मतलब कि इन तीनों की वैल्यूज गेट कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब इन वैल्यूज को गेट करने के लिए हमारे पास यहाँ जावास्क्रिप्ट में अलग अलग मेथड्स आते हैं, आइए उनको देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहला मेथड है इनर टेक्स्ट, जो हमारे को टेक्स्ट को गेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद है इनर HTML, जो हमें HTML गेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद आपको तीन एट्रीब्यूट दिख रहे हैं, गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट नोड और एट्रीब्यूट्स। ये तीनों एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट करने में हेल्प करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इनर टेक्स्ट और इनर HTML ये कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने अपना HTML का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। ये वही डॉक्यूमेंट है जो हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में यूज़ किया था। मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर एक बेसिक सा HTML का डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया और यहाँ पर हमने डॉम main.js फाइल में, यहाँ पर हमने पिछले ट्यूटोरियल की सारी प्रैक्टिस करी थी कि कैसे हम टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में एक इशू आ रहा था बार बार, मैं उसको थोड़ा पहले रिजॉल्व करके आगे शुरू करूँगा। तो वो इशू क्या था, देखिए जैसे ही हम यहाँ पर लिख रहे थे document.body, मैं फाइल को सेव किया और यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया, या मैं कंसोल में आ जाता हूँ और ये देखिए यहाँ पे नल दिखा रहा है। ऐसे कहीं पिछली कमांड्स में यहाँ पे दिक्कत आ रही थी जिसको वो अनडिफाइंड दिखा रहा था, तो उसकी मेन दिक्कत क्या थी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर HTML वाली फाइल में जाएंगे, यहाँ पर देखिए कि हमारी जो स्क्रिप्ट टैग है वो ऊपर हेड टैग के अंदर लिखा हुआ हमने। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, अभी जब ये स्क्रिप्ट टैग लोड हो जाती है तब तक बॉडी लोड ही नहीं हो रही होती। जब बॉडी लोड ही नहीं होती तो उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट को गेट ही नहीं कर पाता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्क्रिप्ट टैग को यहाँ से हटा के, मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, इसको नीचे डालेंगे आप यहाँ पर बॉडी टैग के ख़त्म होने से बिल्कुल पहले यहाँ पे। अब क्या है, अब इसके पास सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स लोड हुए आएंगे। अब यहाँ पर आप कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं टारगेट करने की। मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर देखिए, यहाँ पर देखिए बॉडी लोड हो चुकी है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो यही एक मेन इशू था जिसमें बार बार पिछले वीडियो में अनडिफाइंड आ रहा था कहीं टारगेट की कमांड्स के लिए। अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपने आज के मेथड जिसका नाम है इनर टेक्स्ट और इनर HTML। तो देखिए, अगर मेरे को किसी भी ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है तो देखिए सबसे पहले मैं टारगेट क्या करना चाहता हूँ मैं उसको देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं हेडर को टारगेट करता हूँ, ठीक है, मैं हेडर के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा गेट एलिमेंट बाय ID और यहाँ राउंड ब्रेसेस के अंदर मैं अपना ID डाल दूंगा जिसका नाम है हेडर। ये तो हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में ही देख लिया था। इसके बाद अब मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट लगा के इसके मेथड का नाम जिसका नाम है इनर टेक्स्ट। ये देखिए इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट जो है ये कैमल केस में आएगा, जो टी है आपका कैपिटल में ही लिखना है आपको। मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ देखिए कंसोल में लिखा आ गया यहाँ पे याहू बाबा। ये देखिए ऊपर हेडिंग के अंदर जो भी लिखा होता वो इसने हमारे को यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसमें से। देखिए अगर मेरे को यहाँ पर ये कंटेंट वाला पार्ट है, अब इसके अंदर तो बहुत कुछ आ रहा है। देखिए हेडिंग भी आ रही है, इमेज भी आ रही है, पैराग्राफ भी आ रहा है, लिस्ट भी आ रही है। तो मैं अगर यहाँ पर जाके ID के अंदर लिखूँगा कंटेंट, मैंने फाइल को सेव किया, तो ये मेरे को सारा का सारा कंटेंट रिटर्न कर देगा। ये देखिए यहाँ पर जो हेडिंग के अंदर टेक्स्ट आ रहा था वो इसने कोई भी टैग नहीं लेकर आया, ये आपको ध्यान से देखना है। उसके अंदर का जस्ट इसने टेक्स्ट हमारे को एक्सट्रैक्ट करके दे दिया यहाँ पे। ये देखिए जो पैराग्राफ में आ रहा था और नीचे जो लिस्ट में से आ रहा था टेक्स्ट, वो सारा लाइन वाइज लाइन हमारे को यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया है। तो यही हमारे इनर टेक्स्ट का काम होता है कि वो हमारे को अंदर का सारा टेक्स्ट निकाल के दे देता है विदाउट HTML। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इनर HTML करके जो हमारा नया मेथड है वो क्या काम करता है। तो मैं इसके लिए यहाँ से टेक्स्ट को हटा देता हूँ इनर के बाद, और आपको जस्ट यहाँ पे लिख देना HTML। जो HTML है वो आप कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, सारे के सारे वर्ड्स HTML। मैंने फाइल को सेव किया, अब यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए इसने कंसोल में हमारे को सारी की सारी अंदर की HTML निकाल के दे दी। यहाँ देखिए विद टेक्स्ट और HTML के टेक्स्ट सारे के सारे यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं। देखिए जो पैराग्राफ आ रहा था यहाँ पे UL आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है, इमेज टैग, सारे के सारे टैग। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हेडर, मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने मेरे को इनर HTML दिखा दी उसकी,
उसके अंदर हेडिंग वन आ रही थी। देखिए यहाँ पे मैं आपको एचटीएमएल दिखाता हूँ, हेडर के अंदर क्या आ रहा था। यहाँ पर देखिए ये हमारा हेडर था, हेडर के अंदर यहाँ पर आ रहा था हेडिंग वन, मतलब कि एच वन का टैग आ रहा है और उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इसने हमारे को यहाँ पे निकाल के दे दिया। तो यही इनर एचटीएमएल का काम होता है कि वो हमारे को अंदर की जितनी भी एचटीएमएल है उसको निकाल के दे देता है। अभी आपने देखा कि कैसे हमने इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट को यूज़ किया। अब हम यूज़ करेंगे कि कैसे हम एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट करते हैं। तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पर तीन मेथड्स हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे गेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट नोड और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट जो मेथड है ये बेसिकली हमारे को एट्रीब्यूट की वैल्यू देता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए गेट एट्रीब्यूट में जो ए है आप देख रहे हैं कैमल केस में है और यहाँ पर आपको ए को कैपिटल लिखना है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर राउंड ब्रेसेस लगाऊंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे को कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए। तो देखिए अभी हेडर के अंदर एक ही एट्रीब्यूट है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक है आईडी। मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट और ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पर ले लिया क्लास। और क्लास के अंदर देखिए जैसे मैं कोई भी क्लास ले लेता हूँ, जैसे ABC नाम की एक मैंने क्लास रख ली। मैंने फाइल को सेव किया और अब मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर एट्रीब्यूट में देता हूँ क्लास। मैंने फाइल को सेव किया, अब मैंने यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसने मेरे को जो एट्रीब्यूट की वैल्यू थी क्लास की वैल्यू वो मेरे को रिटर्न कर दी। अगर मैं यहाँ पर आकर गेट एट्रीब्यूट में लिखूंगा आईडी कि मतलब कि जो भी हेडर के अंदर एट्रीब्यूट आ रहा है आईडी उसकी मेरे को ये वैल्यू रिटर्न कर दे। तो मैंने फाइल को सेव किया, अब यहाँ आके देखिए इसने मेरे को रिटर्न कर दिया हेडर। मैं यहाँ पर जाकर एचटीएमएल में एक एट्रीब्यूट और डाल देता हूँ हेडर के अंदर। ये देखिए मैं यहाँ पर गया और मैंने लिख लिया जैसे स्टाइल। स्टाइल के अंदर यहाँ पे देखिए मैं कोई एक सीएसएस का स्टाइल लगा देता हूँ, जैसे बॉर्डर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। मैं अब यहाँ पर जाके फाइल को सेव कर देता हूँ और यहाँ पर डॉम में आके यहाँ पर गेट एट्रीब्यूट में लिख लेता हूँ कि जो एट्रीब्यूट आ रहा है स्टाइल उसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो मेरे को रिटर्न कर दे। मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ देखिए यहाँ पर जो एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू मैंने स्टाइल में डाली थी बॉर्डर वो इसने मेरे को वैल्यू समेत यहाँ पर सारा कुछ रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ पर जाके कोई HTML का मतलब कि JavaScript का कोई इवेंट भी कॉल करूँ, देखिए मैंने जैसे यहाँ पर लिख दिया ऑन क्लिक और इसके अंदर मैं कोई भी एक जैसे डमी फंक्शन रख लेता हूँ, जैसे मैंने रख दिया XYZ ऐसे करके कि ऑन क्लिक करने पे ये XYZ नाम का फंक्शन कॉल हो जाए। अभी मैंने फंक्शन बनाया नहीं है, मैं जस्ट आपको एट्रीब्यूट की वैल्यू दिखा रहा हूँ। मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे जाके यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन क्लिक। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे जो क्लिक है उसका सी कैपिटल में आएगा। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए उसके अंदर जो भी फंक्शन का नेम था इसने मेरे को वो भी रिटर्न कर दिया। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर जो हमारे पास ये गेट एट्रीब्यूट नाम का जो मेथड है ये किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू दे देता है। मगर उससे पहले आपको यहाँ पर टारगेट का नेम देना पड़ेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट के अंदर किस ऑब्जेक्ट को आप टारगेट कर रहे हो। अब मैं आपको एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट का दूसरा मेथड है जिसका नाम है गेट एट्रीब्यूट नोड। ये इसको लिखने का तरीका बिल्कुल गेट एट्रीब्यूट की तरह ही है, बस लास्ट में आप लिख देंगे कैमल केस में नोड, मतलब कि एन जो है इसका कैपिटल में आएगा और मैं इसके अंदर एट्रीब्यूट का कोई एक नेम पास कर दूंगा। देखते हैं अब ये हमारे को रिटर्न क्या करता है। मैं फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए इसने मेरे को एट्रीब्यूट की जो प्रॉपर्टी का नेम है वो इजिकल टू और उसके वैल्यूज और उसके कोट्स भी यहाँ पे प्रिंट कर दिए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल और जो मैंने इसको फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए इसने मेरे को उस प्रॉपर्टी का नाम विद उसकी वैल्यू सब कुछ रिटर्न कर दिया। मगर अगर मैं इसके अंदर की वैल्यू को चाहता हूँ सिर्फ, तो उसके लिए यहाँ पर मेरे को एक एक्स्ट्रा मेथड लगाना पड़ेगा जिसका नाम होता है वैल्यू। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर देखिए इसने मेरे को अंदर की वैल्यू रिटर्न कर दी। तो ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इसको यूज़ करना गेट एट्रीब्यूट नोड को, क्योंकि अगर आपको खाली एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए तो आप सिंपल जो इससे पहले मैंने आपको मेथड बताया गेट एट्रीब्यूट नाम का आप उसको भी सिंपल यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे अपना एट्रीब्यूट्स नाम का मेथड ये क्या काम करता है। मैं बेसिकली आपको बताता हूँ, ये हमारे को जितने भी एट्रीब्यूट लगे होंगे वो सारे के सारे एक्सट्रैक्ट करके दे देगा एक ही बारी में, उसका मतलब कि एक एरे बना देगा। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा हेडर नाम का आईडी है उसके अंदर ऑलरेडी कितने एट्रीब्यूट आ रहे हैं। देखिए एक तो आईडी आ रहा है 1, 2, 3 और लास्ट में एक ऑन क्लिक करके जो हमने नया एट्रीब्यूट बनाया 4, तो 4 एट्रीब्यूट आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर जाके अपना ये जो पुराना वाला है इसकी वैल्यू को मैं सबको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डॉट लगा के लिखूँगा एट्रीब्यूट्स। मैंने अभी इसके अंदर कुछ नहीं लिखा कि मेरे को क्या चीज़ चाहिए, मैं सिंपल इसको सेव करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए इसने मेरे को एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पर। मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर मेरे को लेंथ कह रहा है 4,
मतलब कि फोर, इसको चार अलग अलग प्रॉपर्टीज हमारे को यहाँ पर एट्रीब्यूट्स मिले हैं, तो इसको यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए जीरो इंडेक्स पे यहाँ पे इसने आईडी रख दिया, वन पे क्लास, टू पे स्टाइल और थ्री पे ऑन क्लिक। अब आप पर्टिकुलर किसी एक एट्रीब्यूट को टारगेट करना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू उठाना चाह रहे हैं, तो उसको आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वन, मैंने अभी फाइल को सेव किया। देखिए जो वन एट्रीब्यूट पे आ रहा था वो था क्लास एबीसी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टू, और ये देखिए जो इसके टू एट्रीब्यूट पे आ रहा था यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में से, उसमें था स्टाइल, तो जिसने स्टाइल को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, मेरे को उसके अंदर की वैल्यू उठानी है, तो उसको मैं कैसे उठाऊंगा, ये देखिए यहाँ पर आप इसके बाद आप एक और मेथड को यूज़ करेंगे जिसका नाम है वैल्यू। मतलब कि मेरे को यहाँ पर इसकी वैल्यू उठानी है। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए इसने मेरे को अंदर की जो वैल्यू थी बॉर्डर उसको रिटर्न कर दिया। यहाँ पर मैं वैल्यू के अलावा एक चीज़ और भी उठा सकता हूँ, मतलब कि उसका नेम, मतलब कि एट्रीब्यूट का क्या नेम है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो मेथड है उसका नाम है नेम। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए इसने मेरे को एट्रीब्यूट का नेम रिटर्न कर दिया स्टाइल। अगर यहाँ देखिए मैं जाके वन कर देता हूँ, अब जो वन इंडेक्स पे जो भी एट्रीब्यूट आ रहा है उसका नेम क्या है, उसका नेम है क्लास। तो आपने देखा कि कैसे हम अलग अलग इन मेथड्स को यूज़ करके डॉम की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि डॉम की वैल्यू को सेट कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पे पांच अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम डॉम की किसी भी वैल्यू को ऑब्जेक्ट में जाके, मतलब कि उसकी किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, हम उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं इनर टेक्स्ट नाम के मेथड से, हम उसकी एस्टिमल चेंज कर सकते हैं, या यहाँ पर हमारे पास सेट एट्रीब्यूट नाम का एक मेथड आता है उससे भी हम किसी की ऑब्जेक्ट की वैल्यू को जाके चेंज कर सकते हैं, या यहाँ पर हम जाके किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को रिमूव भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे हेडर आ रहा है और इस हेडर के अंदर एक H1 आ रहा है और H1 के अंदर लिखा हुआ यहू बाबा, तो मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं देखिए यहाँ पर कैसे वैल्यू को सेट करूँगा, तो यहाँ पर मैं जाके देखिए ये एलिमेंट जो आ रहा है, मैं यहाँ पर अभी हेडर ही लिख देता हूँ और इसके अंदर यहाँ लिख देता हूँ जो भी इसकी इनर टेक्स्ट आ रहा है, या इनर हम लिख लेंगे इनर HTML। और यहाँ पर देखिए इससे पहले मैं यहाँ पर वैल्यू को सेट कैसे करूँगा, तो सेट करने के लिए मैं बिल्कुल वैसे ही टारगेट लूँगा, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ तक देखिए जैसे कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ इनर टेक्स्ट, और इसके बाद यहाँ पर मैं इजिकल टू लगाऊंगा। देखिए जब मैं यहाँ पर वैल्यू सेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इसको इधर लिखूंगा इजिकल टू के लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर राइट साइड में मैं उसकी वैल्यू दूंगा। तो वैल्यू जो है वो एक स्ट्रिंग में है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कोट्स ले लेता हूँ, और देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ वॉव, और मैं यहाँ पर फाइल को सेव किया। और ये देखिए नीचे यहाँ पर इधर भी वॉव लिख दिया और ऊपर देखिए हेडर में यहाँ पर भी प्रिंट हो गया वॉव, मगर ये हेडिंग वन में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर जो मैंने इसको दिया है इनर टेक्स्ट, ना कि इसको HTML दिया। अगर देखिए यहाँ पर मैं इसको हेडिंग में देना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ हेडिंग वन में, या मेरे को अंदर ही कोट्स देने होंगे, तो यहाँ पर मैंने इस हेडिंग वन को क्लोज कर दिया और मैंने फाइल को सेव किया। अब ये देखिए इसने ऊपर देखिए ध्यान से यहाँ पर इसको हेडिंग वन को बिल्कुल हमारा टैग नेम ही प्रिंट कर दिया, और नीचे देखिए यहाँ पर इसने इसको कन्वर्ट करके कैसे एंटिटी कोड में प्रिंट करके दिखा दिया हमारे को, मगर हमें तो यहाँ पर हेडिंग वन में यहाँ पर इसको डिस्प्ले करना था। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इनर HTML। तो देखिए ये मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर लिखा इनर टेक्स्ट की बजाय मैं यहाँ पर लिखूंगा इनर HTML, क्योंकि टेक्स्ट का काम सिर्फ टेक्स्ट को सेट करना है, वो HTML के कोई भी टैग नहीं लगा सकता। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर लिखा HTML और मैंने फाइल को सेव किया। अब मैंने यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ हेडिंग वन के अंदर हमारी वॉव नाम की नई वैल्यू जो है वो सेट हो चुकी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और नीचे भी देखिए यहाँ पर इसने कंसोल में प्रिंट कर दिया कि एलिमेंट की नई वैल्यू क्या है। मैं आपको जो ये वैल्यू प्रिंट हो रही है, मैं इसको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको कॉपी करके एक बार इससे पहले लिख देता हूँ। अब यहाँ पर कंसोल में दो अलग अलग वैल्यूज रिटर्न होंगी, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले जो प्रिंट हुआ वो था हेडिंग वन में यहू बाबा, उसके बाद यहाँ पर चेंज होके हेडिंग वन की वैल्यू होगी वॉव। आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि हमने कैसे जावास्क्रिप्ट से हेडर को टारगेट करके उसकी एच वन की वैल्यू को चेंज कर दिया। अभी आपने यहाँ पर देखा कि कैसे हम इनर HTML और इनर टेक्स्ट को हम सेट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि कैसे हम एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करते हैं सेट एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट नाम के फंक्शन से। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो यहाँ देखिए हमारे HTML के डॉक्यूमेंट में जो हेडर नाम का हमारे पास एक डिव आ रहा है, उसके अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट आ रहे हैं, जैसे क्लास आ रही है, स्टाइल आ रहा है, ऑन क्लिक आ रहा है। तो देखिए मैं जैसे एट्रीब्यूट जो क्लास है इसको क्लिक पर मतलब कि चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी JS वाली फाइल में जाऊँगा, इसको मैं इधर कर देता हूँ CSS वाली फाइल को, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं ये सब रिमूव कर देता हूँ,
और यहाँ पर अब मेरे को क्या सेट करना है, मेरे को उसका एट्रीब्यूट सेट करना है। तो देखिए एट्रीब्यूट कैसे सेट करते हैं, यहाँ पर मैं HTML के बाद ही यहाँ पर एट्रीब्यूट सेट करता हूँ, तो HTML तो सेट होने ही दो, और साथ में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट एट्रीब्यूट। देखिए सेट एट्रीब्यूट के अंदर जाके यहाँ पर मेरे को दो पैरामीटर देने हैं, एक तो कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है, फिर उसकी वैल्यू। तो देखिए जैसे मैं क्लास को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्लास, और सेकेंड मैंने यहाँ पर दूसरी यहाँ पर एक जो इसकी वैल्यू सेट करनी है वो लिखना है XYZ। अब मैं यहाँ पर कंसोल के अंदर इसकी वैल्यू को प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर हेडर का जो एट्रीब्यूट है उसका नाम है गेट एट्रीब्यूट, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, और कौन सी वैल्यू मैं यहाँ पर चेंज करके दिखाना चाहता हूँ, देखिए जो है जिसका नाम है क्लास। तो अभी मैं फाइल को चेंज करता हूँ, तो देखिए अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ, यहाँ पर मैं गया और यहाँ देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है वो सेट हो चुकी है XYZ, आपको दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा CSS में चेंज करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। मैं यहाँ पर CSS वाली फाइल में गया और यहाँ पर देखिए जहाँ पर हेडर आ रहा है वहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए ये H1 बना रखा है, मैं इसी के ऊपर ही यहाँ पर इसको क्या करता हूँ वैल्यू सेट कर देता हूँ कि जो हेडर के अंदर XYZ नाम की क्लास आ रही है उसका कलर मैं येलो कर देता हूँ। और मैंने इस फाइल को सेव किया, पहले मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करके देखता हूँ यहाँ पर वैल्यू अभी कौन सी सेट हो रही है। देखिए XYZ यहाँ पर सेट हो चुका है, यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एलिमेंट में, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है वो XYZ सेट हो गई है, मगर अभी कलर नहीं चेंज हुआ है, तो उसको देखते हैं कि क्यों नहीं चेंज हुआ है। तो यहाँ पर शायद से मैंने हाँ कलर के लिए एक नई फाइल बनाई हुई है, देखिए मैंने उसको ऊपर इम्पोर्ट भी किया हुआ है यहाँ पर color.css में, उसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यह मेरी कलर वाली फाइल आ गई है, और यहाँ पर देखिए मैंने हेडर के अंदर यहाँ पर कलर सेट किया हुआ है, तो मैं यहीं पर ही वो अपनी क्लास बना लेता हूँ दूसरी। पहले मैं यहाँ पर रख देता हूँ जो ABC क्लास आ रही है उसके अंदर जो कलर है वो वाइट हो जाए, और उसके बाद मैं जो यहाँ पर अभी नई क्लास बनाई है इसको कट करके यहीं रख देता हूँ। ये देखिए ये मेरी क्लास है, मैं इसको यहाँ से कट करके और इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह मैं किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल आपको और दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे यहाँ पर आ रहा है बॉर्डर स्टाइल के अंदर, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर 1 पिक्सल रेड कलर का बॉर्डर लग रहा है, तो देखिए मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ क्लास को यही रहने देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ स्टाइल, क्योंकि मेरे को स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट में चेंज करना है। और यहाँ पर देखिए मैंने कर दिया जैसे 10 पिक्सल डॉटेड कर देता हूँ स्टाइल जो है इसका, और यहाँ पर येलो नाम का बॉर्डर लगा दिया। अब मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पर अभी बॉर्डर नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल स्टाइल लिख दिया और उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट का नाम नहीं लिखा, मतलब कि जो हम बॉर्डर को देने के लिए लिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे हम बॉर्डर, और ये हमने पूरी वैल्यू सेट करनी है। मैंने फाइल को सेव दोबारा से सेव किया, और ये देखिए जावास्क्रिप्ट से कैसे मैंने यहाँ पर इसका स्टाइल चेंज करके यहाँ पर बॉर्डर सेट कर दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली CSS को स्टाइल को चेंज करने के लिए ये तरीका नहीं होता, वो तरीका तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मगर मैंने आपको जस्ट यहाँ पे ये बताया कि आप किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को यहाँ से कैसे इजिली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दो पैरामीटर आएंगे सेट एट्रीब्यूट में, पहले एट्रीब्यूट का नाम फिर उसकी यहाँ पर वैल्यू। अब मैं यही वाला काम जो आपको है दूसरे एट्रीब्यूट्स मेथड से करके दिखाता हूँ जिसका नाम है एट्रीब्यूट्स। तो देखिए यहाँ पर मैं उसको कैसे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स के बाद मेरे को ये सब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एरे चलता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कौन से एट्रीब्यूट को चेंज करना है मेरे को यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा HTML वाली फाइल में। तो देखिए मेरे को जैसे यहाँ पर जो क्लास आ रही है ABC उसको चेंज करना है, तो देखिए वो 0 इंडेक्स पे हमारा हेडर ID है, 1 पे यहाँ पे क्लास है, तो इसको मेरे को चेंज करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिखी उसकी वैल्यू, और यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा यहाँ पर = लगाऊंगा, और जो वैल्यू मेरे को यहाँ पे सेट करनी है मैं यहाँ पर वो दे दूंगा। तो देखिए मेरे को XYZ लगाना है, मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए येलो कलर सेट हो चुका है। तो ये भी एक तरीका है यहाँ पर एट्रीब्यूट सेट करने का, आपको यहाँ पे जस्ट एक बताना पड़ता है कि कौन से इंडेक्स वाले एट्रीब्यूट को आपको चेंज करना है, और यहाँ पे लिखेंगे आप डॉट लगा के मतलब उसके मेथड का नाम वैल्यू, और इसकी = लगा के यहाँ पर आप वैल्यू दे सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मगर जो इससे पहले वाला मेथड है वो इजी है ज़्यादा सेट एट्रीब्यूट नाम से, क्योंकि उसमें इतना पचड़ा नहीं है, आपको इंडेक्स नंबर याद करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब हम अपना यहाँ पर लास्ट मेथड देखेंगे जिसका नाम है रिमूव एट्रीब्यूट। ये सेट नहीं करता कोई किसी वैल्यू को, ना किसी वैल्यू को चेंज करता है, यहाँ पर इसका सिर्फ यही काम है कि ये उस पूरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को और उस एट्रीब्यूट को ही डिलीट कर देता है। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा डिव है जिसपे ID लगा हुआ हैडर, इस पे अलग अलग एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए जैसे स्टाइल आ रहा है मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको 10 पिक्सल सॉलिड और येलो कलर दे देता हूँ। मैं अभी पहले आपको फाइल सेव करके दिखा दूँ।
और ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी येलो आ रहा है, मगर आप चाहते हैं कि जैसे ही मैं फाइल को सेव करूँ तो ये एट्रीब्यूट डिलीट हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे यूज़ करेंगे रिमूव एट्रीब्यूट। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर मैं जैसे हेडर को रिमूव करना, हेडर के अंदर के जो एट्रीब्यूट है उसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू को पेस्ट किया यहाँ पे, जिसको मेरे को टारगेट करना है और कौन सा वाला एट्रीब्यूट आपको रिमूव करना है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे रिमूव और यहाँ पे लिखा एट्रीब्यूट। और यहाँ पर राउंड ब्रेसेस के अंदर जाके कोट्स के अंदर आप उस एट्रीब्यूट का नाम लेंगे। तो देखिए जैसे मैं स्टाइल को रिमूव करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ से बॉर्डर हट गया। मैं आपको HTML में दिखाता हूँ, HTML के अंदर अभी भी लिखा हुआ है बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड येलो कलर का, मगर यहाँ पर नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ से उसने रिमूव कर दिया उस एट्रीब्यूट को। अगर यहाँ से मैं क्लास नाम के एट्रीब्यूट को भी डिलीट करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यही वाली लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर कौन सा वाला एट्रीब्यूट रिमूव करना है तो देखिए यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा क्लास। मैंने फाइल को सेव किया, अब ये देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई नल और ऊपर हो गया ब्लैक। ब्लैक क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ से ABC और XYZ दोनों ही क्लासेस अब नहीं लग पा रही हैं, जबकि यहाँ पर मैंने HTML में यहाँ पर सेट की हुई है ABC नाम की क्लास। और ऊपर भी मैं आपको दिखाता हूँ, इससे पहले भी यहाँ पर मैंने वैल्यू सेट की है यहाँ पर ऊपर 5th लाइन नंबर पे XYZ क्लास की एक नई वैल्यू दी थी मैंने XYZ, जिससे येलो कलर सेट हो रहा था, मगर ये भी नहीं लग रही है और ना ABC लग रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरा का पूरा एट्रीब्यूट ही डिलीट कर दिया। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम डॉम के अंदर जाकर टारगेट करने के बाद उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया कि कैसे आपको स्टाइल सेट करना है, मतलब कि CSS की वैल्यूज को कैसे सेट करना है प्रॉपर तरीके से, तो उसके अलग से मेथड आते हैं जो हम अपनी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप नया सिलेक्टर सीखने वाले हैं, जिससे हम डॉम के एलिमेंट्स को नए तरीके से कैसे टारगेट करते हैं वो सीखेंगे आप, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।